हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ है जिसमें आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो यहाँ पर पैसा ही पैसा होगा। और भी कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो मंथली कितना यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो सारे हम आंसर करेंगे जो पिछले आपने कुछ कमेंट करे हैं, क्योंकि एक वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि आपको जानना है पार्ट टाइम जॉब्स में स्टूडेंट्स कितना कमाते हैं एंड वो सारी चीज़ें, तो वीडियो में वही होगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और हाँ, जैसा कि आपको देख रहा है अभी जो है बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है म्यूनिख में, और इस टाइम पे -8 डिग्री जो है वो एक्चुअल फील है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। अच्छा लग रहा होगा बाहर देख के, पर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को स्नोफॉल स्नो बहुत अच्छी लगती है तो उनके लिए आइडल है जर्मनी आना। वो सारा चीज़ें कि आप कैसे आ सकते हैं वो ऑलरेडी हम वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, उनकी सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन पर डाल देंगे। अब सबसे पहले आते हैं 2024 में क्या चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो 2024 में काफ़ी सारे इमिग्रेंट फ्रेंडली लॉज जो हैं वो जर्मन गवर्नमेंट ने पास करे हैं। उसमें से स्पेसिफिक तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी बहुत हद तक स्टूडेंट्स के फेवर में है। द रीज़न वही है कि ये लोग चाहते हैं कि काफ़ी अच्छा जो क्रीमी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो यहाँ आए पढ़ाई करें, फिर वो जॉब करें, लाइक यंग लोग जो हैं फिर वो जॉब करें और कंट्रीब्यूट करें यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली लॉज आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चीज़ की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि यहाँ पर पहले जो है वो मिनी जॉब। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मिनी जॉब क्या होता है। मिनी जॉब, जैसा कि आपको सुनने में ही आ रहा है, एक जॉब जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकते हो, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है। वो होता है 43 आवर्स पर मंथ जो है वो काम कर सकते हो। वीकली आप मान लो 9 घंटे के करीब आपको काम करना पड़ेगा और उसमें आप कुछ अर्न कर सकते हो। वो जो अर्निंग अमाउंट होता है वो टैक्स फ्री होता है। ये अमाउंट पहले जो था वो था 520 यूरोस, और अब जो है वो इंक्रीज हो गया है 538 यूरोस 2024 में, क्योंकि यहाँ पर लेबर लॉ के अकॉर्डिंग हर घंटे का एक फिक्स प्राइस है कि मिनिमम वेज तो इतनी होनी चाहिए। तो पहले लास्ट ईयर जो थी वो 12 यूरोस था और इस ईयर ये बढ़ के 12.41 यूरोस हो गई है, जो कि एक मिनिमम वेज है। ऑफ कोर्स मिनिमम वेज तो आपको मिलेगी ही अगर आप किसी भी जगह काम करते हो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट, बट बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो 20 यूरोस पर आर तक भी पे करती हैं, जैसे बॉश हो गया, बहुत सारी डिलीवरी सर्विसेज वाली कंपनीज होती हैं, Amazon वेयरहाउस में कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें 20 यूरो पर आर जो है वो आपको मिल सकता है। बट मिनिमम वेज यहाँ पर इंक्रीज हो गई है 12.41 यूरोस। दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो है वो अब ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं मिनी जॉब करके, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा जो है वो उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उन्हें पहले से ही ईयरली कुछ ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो क्रिएट करवाना होता है। वो एग्जैक्ट अमाउंट होता है कुछ 11,000 यूरोस का, एग्जैक्ट अमाउंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये जो अमाउंट है ये हमारा चला गया, बट नहीं, आप थोड़ी बहुत जॉब करके जो है वो उसमें से कुछ अर्न कर सकते हो या निकाल सकते हो। तो उसी के बारे में अब हम बात करेंगे क्या, और प्लस ये भी कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना घंटे काम कर सकते हैं अगर वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना काम करना अलाउड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले लास्ट ईयर जो है वो 120 फुल डेज जो है वो काम कर सकते थे और 240 हाफ डेज। 120 फुल डेज जो है वो आप काउंट कर सकते हो कि कितना आप कमाओगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 11,000 कुछ यूरोस जो है वो आप ईयरली कमा सकते हो 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज कमाने में, जो अब इंक्रीज हो गया है 2140 फुल डेज एंड 220 हाफ डेज, जो कि एक्चुअली गुड न्यूज है क्योंकि आप ज्यादा कमाओगे। अब आप ज्यादा कमाओगे दैट मीन्स 13,000 यूरो ईयरली जो है वो आप कमा सकते हो। ये तो एक मिनिमम हो गई, प्लस अगर आपको और भी और कहीं जॉब करते हो, जैसे मैंने आपको बताया 20
यूरोस पर आर, तो आपको वहाँ पर जो है वो और ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज जो मैंने आपको मिनी जॉब बताया था जिसमें आप 538 यूरोस आप कमा सकते हो, वो टैक्स फ्री अमाउंट होता है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। बट अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हो तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई मिनी जॉब से आर्ली बेसिस पर आप कितना कमा सकते हो और कितना काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पर जो समर सेमेस्टर्स में आते हैं लोग, उनके पास जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होता है देन विंटर सेमेस्टर, क्योंकि विंटर सेमेस्टर थोड़ा शॉर्ट होता है, प्लस इतना स्नोफॉल वगैरह होता है तो बहुत सारे काम जो है वो आप नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो अब हम आते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकते हैं, तो वो कुछ इनसाइट्स मैं आपको देती हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे है वो कोई भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं, इवन जो लोकल लोग होते हैं वो हर तरीके की जॉब करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में एज ए वेटर जॉब कर सकते हैं, देन सुपरमार्केट में एज ए कैशियर जॉब कर सकते हैं, ऊबर ईट्स में डिलीवरी सर्विसेज की जॉब कर सकते हैं, अमेजोन वेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं, या कोई ऐसे ही जैसे वीडियो एडिटिंग वाला काम है वो कर सकते हैं। मतलब सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके लिए खुले हुए हैं। और अब आप जब बाहर जाते हो तो आप देख चेक कर सकते हो कि मिनी जॉब की रिक्वायरमेंट मोस्टली जितने भी शॉप्स होती हैं, जितने भी सुपरमार्केट्स होते हैं, वहाँ पर सब जगह होती है। जैसे मैं अभी निकल के जाऊँगी, सामने रोजमान है, उनके बोर्ड पे लिखा है वी वॉन्ट समवन हु कैन लाइक जो मिनी जॉब कर सके, और पर आर का हम वेज देते हैं 18 यूरो पर आर टाइप का। तो ऐसा जो है वो सारी जगह पॉसिबिलिटीज़ है। बट आप सबसे ज़्यादा कहाँ अर्न कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं म्यूनिक में रहती हूँ तो मुझे पता है कि म्यूनिक जो है वो एक बड़ी सिटी है और म्यूनिक में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, प्लस लोग जो है वो मनी भी स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिलीवरी सर्विसेज हैं, जैसे लेफ्रेंडो हो गई, ऊबर ईट्स हो गई, फ्लिंक हो गया, गोरिल्ला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग जो है ये मैक्सिमम पे करते हैं। मैक्सिमम पे करने के अलावा आप जब यहाँ पर जॉब करते हो तो आपको टिप मिलती है हर एक डिलीवरी पर, जो कि टैक्स फ्री होती है, उसमें आपको टैक्स पे नहीं करना होता। कमाल की बात ये है कि ये जो टिप होती है ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर एज अ रूल जो है कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में आपको 20% से 30% जो है वो टिप देना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छी टिप देते हैं उन केसेस में, जैसे अभी स्नोफॉल हो रही है और लोगों को कोई ग्रॉसरी मंगानी है और उस टाइम पर आप डिलीवरी करते हो या खाना मंगा रहे हैं, तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टिप जो है वो देते हैं, जो कि टैक्स फ्री होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप कैश ले रहे हो तो वो आपको कहीं पर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा ये सारी जो कंपनीज़ की मैं बात कर रही हूँ ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पे करती है, प्लस अमेज़ॉन वेयरहाउस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं अगर आप वहाँ पर जॉब करते हो। ये जॉब्स जो होती हैं वो थोड़ी सी टायरिंग होती है अदर देन अगर आप सुपरमार्केट में जॉब करोगे या और कहीं पर, आपको अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो अच्छी होगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई भी जॉब करते हो, जैसे आप लाइब्रेरी में जॉब कर रहे हो या कुछ भी जॉब करते हो, तो आप कितनी भी जॉब कर सकते हो, उसमें कोई फिक्स्ड वो नहीं है, अनलिमिटेड जॉब कर सकते हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर और कहीं नहीं जाना तो आप खुद की यूनिवर्सिटी में भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो ये हो गए ऑप्शन। बाकी मैंने बहुत सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और जैसे ही आप आते हो कौन सी कंपनीज़ के साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो उसकी एक रील बनाई है, वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंसाइट्स है कि आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये मोस्टली उन केसेस पे जहाँ पर आप सिटी में काम कर रहे हो, क्योंकि सिटी में आप अर्निंग करने के ज़रिए जो है वो बहुत सारे होते हैं। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाओ जहाँ पर सिर्फ जर्मन रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके जो ऑप्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अब ट्यूशन फ़ीस इंट्रोड्यूस करने लगी हैं। पहले वार्डन वोटेम्बर्ग में ट्यूशन फ़ीस थी अराउंड 1500 यूरोस टू 2000 यूरोस, जो एक स्टेट है वार्डन वोटेम्बर्ग, जिस स्टेट में मैं पहले रहती थी वहाँ पर इवन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़
90s में जो ट्यूशन फीस थी सब में इतनी थी, बट अब अगर हम देखें तो अब म्यूनिक में भी जो TUM है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, उसने भी जो फीस है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। ये यूनिवर्सिटी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, एंड काफ़ी सारे इंडियंस जो है वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके अपना काफ़ी अच्छा करियर जो है वो बिल्ड करते हैं यहाँ पर जर्मनी में। बट अब इनने इंट्रोड्यूस कर ली है, तो माना जा रहा है कि अब नेक्स्ट सेमेस्टर से इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 2000 यूरोस होगी, जबकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बट हाँ, अब जो है वो जर्मनी में भी ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस होने लगी है, तो आपके लिए एक चांस है कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो स्टडी करो उन यूनिवर्सिटी में जहाँ पर ट्यूशन फीस नहीं है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 300 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ट्यूशन फीस जो है वो नहीं है, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करे होंगे कि आप एज ए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना कमा सकते हो, टैक्स फ्री अमाउंट कितना होता है, और अगर आप जैसे 538 यूरोस तक जो कमाते हो उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता, सिर्फ आपको हफ्ते में 8 से 9 घंटे ही काम करना होता है। इस तरीके की बातें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं जानना स्टूडेंट्स को आने से पहले। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी या रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स या कुछ भी, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली मैं -8 में वीडियो बना रही हूँ, बट बिकॉज आई इन्जॉय डूइंग दिस इसलिए मैं बना पा रही हूँ। तो आप भी प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक करे बिना मत जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी से। बाय।